समय ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड अर्थ संदृष्टि लेक्चर नंबर 31 ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताम् नमो सिद्धाम् नमो आयराम् नमो वैच्छायाम् नमो रोहि सौवसाहूम् शुद्धात्मानमने कांतम् साधुमुत्तममंगलम् वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकं पंच संग्रह सद्वृत्तं त्रिलोकी सार दीपकं माधवादि सुतं स्तौमि नेमिचं रघुनाथ। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 979 पर आ गए। 979 अर्थ संदृष्टि की अपनी बात चल रही थी, उसमें कर्मस्थिति रचना अधिकार चल रहा है। अब ये कर्मस्थिति रचना अधिकार में हमने ये बात देखी थी, पहले तो हमने अंक संदृष्टि की अपेक्षा विस्तार से टीका में पढ़ा ही था। अब यहाँ अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा बात चल रही है, 976 से हमने बात शुरू की थी। तो वहाँ बड़ा समय प्रबद्ध, जो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध समझने के लिए असंख्या समय प्रबद्ध लिख दिया। मिथ्या तो प्रकृति पे घटाना है, तो मिथ्या तो सर्वघाती प्रकृति है, उसमें सर्वघाती द्रव्य का 17वां भाग आता है। तो मिथ्यात्व के खाते में 8 कर्मों में से 7 कर्मों का बंध हुआ ऐसा मानेंगे हम, तो 7वां भाग आया, तो सौ असंख्या डिवाइडेड बाई 7। उसमें अनंतवां भाग बताने के लिए ख से भाग दिया और वो 17 में डिवाइड किया हुआ, इसलिए 17 का भी भाग किया। तो ये तो इतना हुआ द्रव्य। तो ये हमें अंत कुणहानि का जो द्रव्य है कैसा मिलता है, तो टोटल द्रव्य को एक कम अन्य व्यस्त राशि से भाग देते हैं तो हमें अंतिम कुणहानि का द्रव्य मिलता है। तो यहाँ 976 पृष्ठ पर जो टेबल बनाया है, देखो स संख्या डिवाइडेड बाय 7 और 17 और उसी के आगे भागहर में एक कम अन्य व्यस्त राशि लिखी, ये अंतिम कुणहानि का द्रव्य है। नीचे आते जाओ तो 2 गुना 2 गुना होते चले जाएगा, और प्रथम गुणहानि का द्रव्य कितना होगा, तो अभी हमने जो देखा था अंतिम गुणहानि का द्रव्य, उसको अन्य व्यस्त राशि के आधे से गुणा करें, इसलिए यहाँ गुणकार में अ लिया और भागार में 2 लिखा। उसके बाद उसका चय निकालने के लिए किस तरह से चय निकाल सकते हैं, तो हमने ये बात देखी थी कि जो ये 977 में जो दूसरा पैराग्राफ, एक कम गुणहानि उसका आधा करना, उसको 2 गुणहानि में से घटाना, तो कितना रह जाएगा, 1 अधिक गुणहानि 3 तृतीयांश, ये कैसे निकलते हैं हमने कल देखा था बोर्ड करके। अब उससे क्या करना, गुणहानि को गुणा करना और इसका भाग अपने अपने द्रव्य को देना। जो द्रव्य हमने 976 पृष्ठ पर टेबल में देखा था उसको इस विशिष्ट संख्या से भाग देंगे तो अपने अपने गुणहानि का चय करें, वो भी हमने कैसे निकालता है कितना निकलता है उसको देखा। अब यहाँ एक एक गुणहानि का चय धन निकालना है, हमें प्रत्येक गुणहानि का
टोटल द्रव्य अलग अलग गुणहानियों का मिला, प्रत्येक गुणहानि का चय मिल गया हमको, तभी प्रत्येक गुणहानि का हम चय धन निकालेंगे तो उसमें आगे धन निकालने में आसानी होगी। तो चय धन निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जहाँ का जो चय है उसको गुणहानि से और एक कम गुणहानि के द्वितीय भाग से गुणा करेंगे तो चय एक घाटी गुणा निकाला। ये हम 978 पेज पर ऊपर लिखा ना, एक गुणहानि से गुणे एक कम गुणहानि के आधे से चय को गुणा करने पर चय धन ऐसा। तो हमने प्रत्येक गुणहानि का चय धन कितना कितना है वो भी निकाल के देखा। तो ये जो चय धन है अपने अपने गुणहानि के टोटल द्रव्य में से माइनस करेंगे तो हमें आदि धन मिलेगा। आदि धन यानी जो छोटे में छोटा ऊपर का निषेध छोटा है नीचे के बड़े में, तो ऊपर के उस गुणहानि के अंतिम निषेध का प्रमाण मिलेगा। उसमें एक एक चय बढ़ाते जाओ तो नीचे का मिलेगा। तो ये आदि धन को गुणहानि का भाग देंगे तो हमें आदि यानी अंतिम वहाँ जो निषेध है छोटा उसका प्रमाण मिलेगा। हमें प्रत्येक गुणहानि का द्रव्य मालूम है, प्रत्येक गुणहानि का चय निकाला, प्रत्येक गुणहानि का चय धन निकाला, टोटल द्रव्य में से चय धन माइनस किया तो आदि धन मिला, आदि धन को गुणहानि से भाग दिया तो हमें वो अंतिम निषेक का प्रमाण मिला। यानी उससे एक एक चय बढ़ते बढ़ते नीचे के पहले निषेक तक आ जाएंगे। अब कल जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा था 979 पर वहाँ से फिर दोबारा लिखते हैं चौथी लाइन 979 यहाँ प्रथम गुणहानि का द्रव्य ऐसा जो हम 976 पर देख चुके प्रथम गुणहानि का टोटल द्रव्य इसके अंश और हार को एक अधिक तीन गुना गुणहानि से गुणित करने का ऐसा हुआ। यानी उसकी वैल्यू उतनी रही, हमने अंश में और हार में दोनों जगह उसको गुणा। अब ये जो ऐसा लिखा है उसमें अंश का गुणकार जो है गुणहानि तीन के ऊपर 1+ है, उसमें जो एक अधिक है उसका प्रमाण कितना है तो ये गुणहानि तीन को छोड़ो जो बाकी जो रहेगा वो उसका प्रमाण अधिक वाला। तो ये अधिक एक का जो ये प्रमाण है इसको अलग रखेंगे तो बाकी कितना रहेगा तभी गुणहानि तीन को ले लो। उसके साथ उसके ऊपर 1+ था उसकी वैल्यू अलग लिख दी तभी गुणहानि तीन ऊपर लिखा और बाकी नीचे लिखा। अब कहते हैं इसमें से क्या करना है, चय धन की ऋण राशि माइनस करना है इसमें से, क्योंकि प्रथम गुणहानि के द्रव्य में से उसका चय धन माइनस करना। इतनी बात लेनी थी हमको। तो ये इस तरह से यहाँ जो 978 पेज पर लिखा है प्रथम गुणहानि का चय धन नीचे सबसे, तो उसमें जो कॉमन कॉमन है उसका अपवर्तन कर दिया हमने। क्या क्या कॉमन है, असंख्यात लिख के लाइन में गु लिखा है, उसके भागहार में भी एक गु लिखा है, वो कैसे हो जाएगा। भागहार में एक लिखा है दो और भागहार के भागहार में भी दो है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद कैसे रह जाएगा तो ये 979 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन में लिखा है वही फिगर है। ये दो दो कैंसिल हो गए ना, उसमें से गुणहानि के नीचे का दो हमने वो लाइन में लिया था वो दो कैंसिल हो गए वहां से। ये समझ में आएगा, ये तो चय धन है इसको क्या करना है गुणहानि के टोटल द्रव्य में से माइनस करना। तो कहते गुणहानि का द्रव्य माइनस चय धन इज इक्वल टू आदि धन आएगा और आदि धन को गुणहानि से भाग देंगे तो आदि द्रव्य मिलेगा। जो एक गुणहानि में जो चय घटते घटते ऊपर का निषेक सबसे छोटा है
उसका प्रमाण मिलेगा। यहाँ गुणकार में ये चैधन आया ना, चैधन जो 979 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन में लिखा है, उसके स असंख्यात और आगे ओ उसके साथ गुणा किया है, क्या लिखा है वहाँ पर, एक कम गुणा नहीं लिखा है। अब इस एक कम को अलग लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, अकेले एक माइनस की वैल्यू कितनी है, जिसके ऊपर एक कम किया है वो पूरी टोटल उसको उसको निकाल दो, तो बाकी क्या रह गया, स असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय और डिवीजन में तो वो पूरा आ जाए। एक ख्याल में है कहाँ से निकाला, चयधन में जो वो के ऊपर वन माइनस था वो वन माइनस की वैल्यू। अब इसको अलग लिखेंगे तो क्या रहेगा उसको देखेंगे अभी हम। यह ऋण की ऋण राशि, ऋण की ऋण राशि क्योंकि क्योंकि चैधन को हमें माइनस करना है और चैधन में वो वन माइनस वाली साइन जो ऊपर थी हमने वो अलग निकाली, चैधन इटसेल्फ ऋण राशि है और उसमें से ये ऋण है तो ऋण का ऋण तो धन, इसलिए ऐसा ही प्रमाण रूप धन पहले जुदा रखा था उसका और इसका जोड़ देने पर, देखो अभी बोर्ड पर ही करके देखेंगे क्योंकि केवल वो इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना है, पहले गुणहानि जो पहले गुणहानि का द्रव्य है उसमें से चयधन माइनस करना है। फिर से देखो यानी गुणहानि के द्रव्य में से माइनस करना है क्या, चयधन अभी गुणहानि का द्रव्य हम यहाँ जो यहाँ 976 पर भी लिखा था और यहाँ भी लिखा है। प्रथम गुणहानि का द्रव्य कैसा निकाला था हमने, स असंख्या मल्टीप्लाई बाय डिवीजन में 7 ख 17 फिर एक कम, ये तो हाँ एक कम अन्य वस्य राशि और ये जो दो है वो अन्य वस्य राशि का दूसरा भाग, आदि अन्य वस्य राशि से गुणा करें। देखो ये क्या था, अंतिम गुणा पूरा द्रव्य मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य इतना उसको अंतिम गुणहानि सॉरी उसको अन्य भस्म राशि में से एक कम करके भाग दिया तो हमें अंतिम गुणहानि का द्रव्य मिला। नीचे हम दोगुना 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 करेंगे तो पहले गुणहानि का द्रव्य कैसे मिलेगा, तो अन्य भस्म राशि का आधा उससे गुणा करेंगे। अब ये दूर नहीं लिखा हम नजदीक लिए, यहाँ तक बात समझ में आई। अब उन्होंने आगे का प्रोसेस आसान करने के लिए इसको क्या किया, 1+ गुणहानि 3 और नीचे भी 1+ गुणहानि 3। अभी उसमें से चैधन माइनस करना है उसको हम बाद में लिखेंगे। अब ये जो 1+ की वैल्यू है उसको हम अलग से लिखेंगे और बाकी अलग से लिखेंगे। तो अकेले 1+ की वैल्यू कितनी है, तो इसको पूरे को निकालो तो बाकी जो बचे भी उतने। तो स संख्या यहाँ अ डिवीजन में 7 ख 17 एक कम अ तो ये 2 और 1+ गुणहानि 3 लेकिन गुणहानि। ये 1+ की संख्या, अभी 1+ अकेला निकाल बाजू बाकी संख्या कितनी जिसमें वो मिला है, तो अभी एक तो हमने हटा दिया 1+ को तो बाकी जो है वो सब पूरा ले। तो
तो इसका अर्थ हुआ केवल हम गुनाह के द्रव्य की बात करते हैं, तो गुनाह के द्रव्य कैसा रहा? स संख्या अ यहाँ गुणहानि 3+1 सॉरी 1+ लेना प्लस हमने अलग निकाला है, गुणहानि 3 और नीचे ये पूरा नहीं 7 17 एक कम अन्य दस राशि 2 1 अधिक गुणहानि 3 बाकी रह गई हाँ डिवाइडेड बाय 2 3 द्वितीयांश है ना आगे ले लिया 3 गो के आगे है ना द्वितीयांश नहीं नहीं यहाँ द्वितीयांश कहाँ नहीं वहाँ ये तो यहाँ आगे है डेढ़ गुना नहीं है 3 गुना वो तो इसमें है चैधन में है चैधन में है ये तो हमने गुणहानि के द्रव्य को लिखा गुणहानि का द्रव्य इतना ही था उसको हमने ऊपर नीचे गुणा किया ये 1+ को हमने सेपरेट निकाला और बाकी यहाँ सेपरेट ये पूरा मिलकर गुणहानि का द्रव्य अभी हमें चैधन को लिखा अब चैधन कैसा निकाला था प्रथम गुणहानि का चैधन 978 पेज में सबसे नीचे की लाइन देखो चैधन निकालते हैं लिखते हैं स संख्या स संख्या और फिर यहाँ वो एक कम वो देते हैं और नीचे 7 6 17 एक कम और गुणहानि 1+ गुणहानि 3 द्वितीया और यहाँ इसका है यहाँ यहाँ यह लिया है ये दो भी आए थे ना आगे तो अन्य राशि का आधा होगा ना माने दो होगा अन्य वैसे राशि का आधा इसलिए ये दो भी आ अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हुआ था ये दो और ये दो और ये दो यहाँ है एक दो पर आएगा ना वहाँ ये दो इधर बराबर यही बात 979 पेज पर नीचे से तीसरी लाइन में देखी यहाँ तक समझ में क्या किया हमने कि हम चैधन को देखें अब चैधन में जो ये माइनस है उसको अलग निकालेंगे और बाकी संख्या फिर अलग रखेंगे तो माइनस की वैल्यू कितनी होगी जो पूरे को मिटाओ तो इतने माइनस की वैल्यू ये चैधन इटसेल्फ ऋण है और उसमें ये पूरी संख्या माइनस करने वाला है ये ऋण का ऋण है जो पॉजिटिव होने वाला है ये 1- की ये वैल्यू है पूरे चैधन में से ये माइनस करना है और बाकी रिमेनिंग कितना है वो उसको अलग निकालेंगे वो एक कम वाले को अलग निकाला तो बाकी बचा हुआ कैसा लिखेंगे इस असंख्या को और हमने गुणहानि लिखी गुणहानि तो कैंसिल हुई थी एक कम गुणहानि लिखा था एक कम तो आ गया तो यहाँ पर गुणहानि आ गया एक कम को हमने अलग निकाला अब उसके नीचे कैसे रह गया सात सौ सत्रह यही सब इसे हमने यहाँ रिपीट किया यही पूरा वहाँ पे अब इसमें हमने ये इसमें ये प्लस निकाला और इसमें से माइनस का प्लस हुआ है ना तो हमें गुणहानि के द्रव्य में से चैधन माइनस करना था ये चैधन को हमने दो सेपरेट संख्याओं में लिखा
कि चैतन्य का जो मन माइनस वाली से वो बात थी, तो माइनस का माइनस ये प्लस हो गया। अब देखो ये गुणहानि के द्रव्य में से ये अलग निकाला हुआ एक पार, और ये इसमें कुछ सिमिलैरिटी है क्या? वही है संख्या, तो वही है, तो ये दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, ये पूरी संख्या वहाँ आ जाएगी। अभी हम ये छेद नहीं भर रहे इस संख्या के, यहाँ ये तो हमने ऊपर भेज दी, और हमारे पास अभी क्या रह गया? ये माइनस वाली, ये चैतन्य में से माइनस साइड इतना रहे, क्यों रहे ये समझ नहीं रहा? चैतन्य को हमने स्प्लिट किया, चैतन्य में से वन माइनस गुणहानि थी, वो माइनस के वैल्यू जो है वो प्लस हो गई, वो इसके जितनी ही थी इसलिए इसको ही डबल कर, तभी हमारे पास ये भी प्लस वाली है संख्या। ये दोनों मिलकर गुणहानि का द्रव्य है, और चैतन्य में से जो निगेटिव था वो इसमें आ गया। अभी इनकी टोटल में से ये माइनस कर, यहाँ तक समझ नहीं पा, अभी आगे पढ़ेंगे फिर इस पर आप 980 पर आप। देखो यह ऋण की ऋण राशि है इसलिए धन होती है, इसकी जो हमने इसके समान थी ना, इसलिए उसको दो गुना किया, इसलिए ऐसा ही प्रमाण रूप धन पहले जुदा रखा था, वो हमने एक भाग ऊपर वन प्लस की जो वैल्यू थी इसको छोड़कर जो बाकी है वही यहाँ पर वैल्यू आ गई, तो ये जो एक भाग जुदा रखा था उसको और इसका जोड़ देना तो क्या होगा? डबल हो गया। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो सहसंख्या तो उसके आगे मल्टीप्लाइड बाय दो आती है, यानी गुणहानि का द्रव्य में से धन और चैतन्य के निगेटिव जो था, चैतन्य में से जो निगेटिव था वो पॉजिटिव होकर यहाँ आ गया, दोनों की वैल्यू समान है इसलिए इसको दो गुना कर यहाँ तक आ, यहाँ दो का गुणकार था और उसको एक अधिक तिगुणा गुणहानि रूप भागहार का भागहार करने पर ऐसा, ठीक है, क्या कहते हैं ये जो दो था ना, अभी इस दो को क्या करेंगे हम, ये जो दो लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे, जैसे हम भागहार का भागहार गुणकार होता है वैसे गुणकार को भागहार का भागहार करके लिखेंगे, तभी इसको यहाँ लिखा, वैल्यू वही नहीं यहाँ, यहाँ तक समझ में आएगा? देखो यहाँ क्या कहते, जोड़ देने पर ऐसा सेकंड लाइन हुई, यहाँ दो का गुणकार था, ये जो दो का गुणकार था यहाँ पर उसको एक अधिक तिगुणा गुणहानि रूप भागहार था, एक अधिक तिगुणा गुणहानि जो भागहार था उसका भागहार बना, गुणकार को भागहार का भागहार बना, तो ऐसा जैसा भी हमने यहाँ लिखा है ऐसी वैल्यू लिखी, क्योंकि जैसे भागहार का भागहार राशि का गुणकार होता है वैसे ही राशि का गुणकार भागहार का भागहार होता है, ऐसा करने पर अवशेष चैधन रूप ऋण राशि ऐसी, ये हमारी अवशेष चैधन रूप ऋण राशि, क्योंकि यहाँ पर भी ये ऋण उसमें भी तीन द्वितीयांश थे ना नीचे, वो तीन द्वितीयांश ये इसका और इसका निकाला था, तीन द्वितीयांश वैसे ही रहा, दो को कैंसिल करने पर नहीं, चैधन रूप ऋण राशि ऐसी बराबर इतनी थी, ये चैधन रूप ऋण राशि और यहाँ जो कुछ आया
उसको अवशेष रहे मूल राशि ऐसी या अवशेष रहे मूल राशि ये चैदान रूप राशि ऋण राशि अब इसको छोड़ो ये तीन द्वितीयांश हुआ परंतु बाकी जो है धन रूप ये इस तरह से यहाँ भी 7 17 वगैरह यहाँ पर भी वही बात दोनों का छेद या भू है माने दो भू है यहाँ तो समान है छेद समान है अब आगे पढ़ते हैं उसमें से घटाने के लिए यहाँ अन्य सर्व समान देखकर मूल राशि का गुणकार 3 गुणहानि था ये गुणहानि 3 था यहाँ गुणकार गुणहानि 3 है उसमें से 1 गुणहानि घटाने पर 3 गुणहानि में से 1 गुणहानि गई तो 2 गुणहानि गई वहाँ 2 गुणहानि का गुणकार करने पर ऐसा हुआ ये पूरी संख्या में से देखो इतना तो कॉमन है ये दो ऊपर पाए यहाँ 3 गुणहानि है यहाँ 1 गुणहानि है तो 7 भी अंदर आएगा ना 7 का 7 गुना का अंदर ही है 7 अंदर तभी इसमें से गया तो यहाँ क्या होगा 2 गुणहानि ये सब उसमें से हमने माइनस कर जय धन हमने माइनस किया ये स्प्लिट करने का प्रयोजन इतना ही था कॉमन कॉमन करके हम उसमें इसको डबल किया और उसमें से माइनस अभी इतना देखिए हाँ अब आगे देखेंगे यहाँ जो 2 गुणकार है उसको 1 अधिक 3 गुना गुणहानि रूप भागार का भागार कर जैसे यहाँ हमने किया यहाँ पर ये जो गुणकार है उसको हम भागार का भागार करेंगे तभी दोनों समान हो गए ना दोनों समान हो गए अब देखो ऐसा हुआ सहसंख्या वो देखो अब पुस्तक के साथ कंपेयर कर सकते 7 17 एक कम अन्य अन्य विश्व राशि उसके आगे 2 उसके आगे 1+ गुणानी 3 लिखे अब ये जो जुदा स्थापित धन ये हमने अलग स्थापित किया था उसको ऋण का ऋण मिलाया था दोगुना हुआ था उसको यहाँ लिया था तो इसके और उसका भी वो छेद समान होगा तो ऐसा उसको मिलाने के लिए अभी इसमें जो समान है उसको जो बाकी जो संख्या है उसके ऊपर 1+ कर देते तो यहाँ पर भी इतनी जो संख्या है और यहाँ पर ये पूरी संख्या तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर 1+ हो जाएगा तो इस तरह से संख्या समान देखकर गुणकार रूप गुणहानि के ऊपर 1 अधिक करके ऐसा यानी गुणहानि प्लस 1 हो जाएगा तो ये संख्या उसमें समान क्या क्या हमने गुणहानि के जगह में से चयन घटाया स्टेप बाय स्टेप हमें सब पूरा समझा इतना रह गया ये क्या मिला आदि गुणहानि के द्रव्य माइनस चैधन इज इक्वल टू आदि धन तो ये आदि धन का अर्थ है सब आदियों की टोटल जैसे ये निषेक रचना थी हमारी ऐसी क्षय घटते हुए निषेक थे तो इसका प्रमाण मिला अब इसके समान सबको करने पर ये सबकी टोटल ही वो है आदि धन उसको गुणहानि के प्रमाण से भाग देंगे तो इसका प्रमाण निकला क्योंकि जो बाकी है जो चय बढ़ते हुए हैं तो एक एक चय मिलाए हैं इससे नीचे के न जाए तो उसको तो हमने चय धन में ये सब जो है बाकी का तो दोनों पदों का जो उसको हम चय धन में मिलाया था टोटल गुणहानि के द्रव्य में से चय धन को माइनस किया हमने तो क्या मिला हमको आदि धन मिला आदि धन का अर्थ होता है इतने प्रमाण में सभी गुणहानि के जितने निषेक के उतने अब इसको गुणहानि के प्रमाण से भाग देंगे तो 1 निषेक का प्रमाण आएगा तो ये आदि धन को गुणहानि से भाग देंगे तो हमें आदि यानी अंतिम जो निषेक है छोटा उसका प्रमाण मिलेगा अब यहाँ फिर देखते हैं
981 पृष्ठ पर ये गुणहानि प्लस वन जो हमने निकाला था, ये आदि धन का प्रमाण, यह आदि धन है मिला। इसको गुणहानि का भाग देने पर अधिक संकलन की अपेक्षा आदि निषेक, अधिक संकलन यानी जो नीचे नीचे के निषेक अधिक अधिक है, तो ये पहला निषेक मिलेगा ऊपर का अंतिम, जिसको हम गुणहानि का अंतिम कहेंगे। तो इसको आदि क्यों कहा, क्योंकि अल्प से बहुत की ओर हम देख रहे हैं, इसलिए उसको आदि। तो ये आदि निषेक कैसा हुआ, तो उसके आगे वो अभी जो हमने संख्या देखी तो पूरी है, उसको गुणहानि से भाग दिया। अभी जो हमने ऊपर संख्या देखी थी उसी के आगे गुणहानि लगा दिया भागा है, ये गुणहानि तीन द्वितीयांश है ना, उसके आगे यहाँ गुणहानि लिखा है, गुण लिखा है, तो ये क्या हुआ आदि, यानी एक निषेक की वैल्यू। पुनश्च यहाँ एक कम गुणहानि मात्र चय, ऐसे जो एक चय का प्रमाण है उसको एक कम गुणहानि से गुणा किया। क्यों, जैसे हमारी गुणहानि यदि सात होगी तो ये जो छोटा निषेक है उसमें सात चय मिलाने से पहला नीचे वाला बड़ा निषेक मिलेगा। तो कहते हैं एक कम गुणहानि मात्र चय, ऐसे चय की जो एक चय की वैल्यू है उसको एक कम गुणहानि से गुणा किया मिलाना। सो अन्य सर्व समान देख लो, देखो आदि निषेक ऊपर देख लो 981 में दूसरी लाइन में, यह है आदि निषेक, और नीचे जो लिखा है वो क्या है, वो मिलाए हुए चय है, यानी एक कम गुणहानि प्रमाण चय है। इसको इसको मिलाएंगे तो यहाँ आदि निषेक है, तो हमें वहाँ प्रथम गुणहानि का प्रथम नीचे का निषेक मिल जाए। तो उसमें क्या, ऊपर वन प्लस गुणहानि है और नीचे वन माइनस गुणहानि है, तो क्या होगा, उसका प्लस माइनस निकल जाएगा और गुणहानि प्लस गुणहानि दो गुणहानि हो जाएगा। देखो अन्य सर्व समान देखकर गुणकार एक अधिक गुणहानि में एक कम गुणहानि मिलाने पर दो गुणहानि का गुणकार करने पर अंत में निषेक ऐसा। देखो आज तक हमने बहुत बार ये देखी है बात, कर्मों के निषेक रचना में जो ये निषेक होता है उसकी वैल्यू चय इंटू दो गुणहानि, और ये अंतिम जो है जिसको यहाँ आदि कहा है उसकी वैल्यू होती है चय मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस वन। यहाँ पर भी वही वैल्यू है क्योंकि हमें ये जो संख्या मिली थी आदि की, इसमें गुणहानि का भाग देना था, उसमें कितने चय मिलाए हमने, गुणहानि माइनस एक कितने चय मिलाए, इतनी वैल्यू थी, उसमें क्या मिलाया हमने, कितने चय प्लस कितने चय मिलाए, गुणहानि माइनस वन इतने चय मिलाए। इस आदि की वैल्यू कितनी थी, चय इंटू ये इंटू नहीं लेकिन चय इंटू वन प्लस गुणहानि थे, ये ऐसा कितनी तो नहीं चलता, चय इंटू वन प्लस गुणहानि थे, और ये जो नीचे का निषेक है वो चय इंटू इसमें उसमें मिला दिए, तो इसका प्रमाण आया। तो कितना आता है तो हमें मालूम है, चय इंटू दो गुणहानि आता, वो कैसे आई, तो यहाँ गुणहानि प्लस वन यहाँ गुणहानि माइनस वन, यानी कैसा हुआ इसका, प्लस वन प्लस रू माइनस वन, प्लस माइनस चला गया दो गुणा, तो हमें मालूम है डायरेक्ट हमें इसका प्रमाण निकालना है, तो इन दोनों की टोटल करके छः इंटू दो गुणहानि पहला निषेक, यहीं पर ये चय की वैल्यू आप खरीद कर तो ये बात आ जाएगी।
इस तरह यह अधिक अनुक्रम सहित निषेकों की अपेक्षा वर्णन है। यानी गुणहानि में हमने अंतिम निषेक पहले देखा जिसको यहाँ आदि कहा है और नीचे अधिक अधिक्रम निषेक की बात बताई। पुनश्च हीन अनुक्रम सहित ऐसे जाए तो पहले निषेक की वैल्यू निकाल के फिर चाहे घटाते हैं घटाते ऊपर चलेंगे बात वही होगी वैल्यू उतनी आई। तो कहते विवक्षित प्रकृति का द्रव्य स्वकीय यानी अपने उत्कृष्ट समय प्रबद्ध मात्रा ऐसा संख्या ये फिर दोबारा सब समझा इसको एक कम अन्य अभ्यस्त राशि का भाग देने पर अंत गुणहानि का द्रव्य ऐसा इसको स्वकीय स्वकीय समय प्रबद्ध बता दिया वो डिवाइडेड बाय सात कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मिथ्यात्व का समय प्रबद्ध यानी मोहनीय का समय प्रबद्ध मिथ्यात्व का भी मोहनीय अब उसमें भी मिथ्यात्व का अपना बताना है समय प्रबद्ध तो 17 से ख और 17 से भाग देने पर जो कुछ आया है तो उसको क्या कहा है यहाँ पर ससंख्या। ससंख्या से क्या होता है मिथ्यात्व के खाते में जितना जो कुछ द्रव्य आए वो पूरा आ गया वो मिथ्यात्व का समय प्रबद्ध टोटल समय प्रबद्ध का सातवां भाग मोहनीय को गया उसका अनंतवा भाग सर्वघाती को दिया उसका 17वां भाग मिथ्यात्व को दिया फिर भी हम वो सब जितना कुछ मिथ्यात्व को मिला उसी को मिथ्यात्व का समय प्रबद्ध मिथ्यात्व का कहीं पूरे का नहीं तो इसलिए उस असंख्या की डायरेक्टली वो डिवाइडेड बाय सात वगैरह वो सब निकाल तो कहते ये तो पूरा द्रव्य कितना है तो ससंख्या उसको एक कम अन्य भ्रष्ट राशि से भाग देंगे तो क्या मिलेगा अंतिम गुणहानि डायरेक्ट मिलता है और इसको आधे अन्य भ्रष्ट राशि से गुणा करेंगे तो प्रथम गुणहानि का टोटल द्रव्य अभी इतनी सारे झंझट पर प्रथम गुणहानि का द्रव्य इतना सारा निकाला था तो ये संख्या द्वारा 7 और 17 इसको गौण करके ससंख्या किया था उसको एक कम अन्य व्यस्त राशि से भाग दिया था ये हम यहाँ लिखेंगे और उसको अन्य व्यस्त राशि के आधे से गुणा कर किया था तो हमें प्रथम गुणहानि का द्रव्य मिला ये प्रथम गुणहानि का इसको सिंपल कर दिया ये 7 का 17 से जो डिवाइड किया था वो तो पूरे समय प्रबद्ध का भाग देते देते मिथ्यात्व के खाते में इतना आया उसी को ससंख्या थी बाकी तो वैल्यू उतनी रखी पूरे द्रव्य को मिथ्यात्व के पूरे द्रव्य को एक कम अन्य व्यस्त राशि से भाग दिया तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य मिला उसको आधे अन्य व्यस्त राशि से गुणा किया तो पहले गुणहानि का द्रव्य मिला। अब आगे देखते हैं यह हम 981 पर देख रहे थे नीचे इसको गुणहानि का भाग देने पर लास्ट लाइन हम पढ़े मध्य धन आता यानी एवरेज क्योंकि हमने मान लेते हैं 8 निषेकों की गुणहानि होगी और ये पूरी गुणहानि का द्रव्य होगा जैसे हमने 32 को मान लिया था तो उसको 8 से भाग देंगे तो हमें एवरेज मिलेगा इसको मध्य धन के तो यहाँ क्या करना है मध्य धन के लिए गुणहानि से भाग दे तो यहाँ गुणहानि से भाग देंगे तो मध्य धन एवरेज मिला तो कोई हमने पहले देखी थी तो 400 मिले हमें 32 डिवाइडेड बाय 8 फिर हमने वो दो गुणहानि में से एक कम गुणहानि का आधा माइनस किया था 12.5 रहे थे उसका भाग उसको दिया था तो हमें चय की वैल्यू वही बात अभी बताई तो कहते हैं मध्य धन ऐसा ये मध्य धन इस तरह से इसको एक कम गच्छता आधा ऐसा यानी एक कम गुणहानि का आधा उससे ही दो गुणहानि यानी दो गुणहानि में से एक कम गुणहानि का आधा घटाया क्या किया दो गुणहानि माइनस एक कम गुणहानि का आधा तो क्या हो गया 1+ गुणहानि 3 दी गया
ये याद है क्या कि फिर करना पड़ेगा? हाँ जी बेबी, समझ में? ये हमने पहले सॉल्व करके भी देखा। तो उसका भाग देने पर चय का प्रमाण ऐसा, ये हमने ये जो देखा है यहाँ पर। अभी चय का प्रमाण निकालने के लिए क्या करना है? इसको दो गुणहानि में से एक कम गुणहानि का आधा बताया, जो संख्या आई उससे इसको भाग दिया। तो कौन सी संख्या आई थी? एक अधिक गुणहानि का तीन, गुणहानि तीन लिखा, वन प्लस डेढ़ गुणहानि, इससे भाग दिया तो हमें क्या मिला है सर? चलिए, ये छह का प्रमाण है। अभी हमें पहला निश्चय पहले निकालना है। हम तीन की ओर जाएंगे, वहां हमने अंतिम निश्चय पहले निकाला। तो अभी अभी हम जो देख के आए हैं गणित, उसमें गुणहानि के अंतर निश्चय की वैल्यू निकाल कर फिर एक एक छह मिलाते हुए हम नीचे आए। तो अब यहाँ इसका इसकी वैल्यू पहले बताए, तो चय मिला, इसको दो गुणहानि से डायरेक्ट गुणा करो तो पहला निश्चय मिलेगा, और चय को वन प्लस गुणहानि से गुणा करो तो अंतिम निश्चय आएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो इसको दो गुणहानि से गुणा करने पर प्रथम निश्चय कैसे? यहाँ तक समझ में आते? ये चय निकाला था, इसको दो गुणहानि से यहाँ गुणा करो, गुणहानि दो, तो क्या मिलेगा? प्रथम निश्चय। ऊपर एक एक चय घटते हुए एक अधिक गुणहानि गुणित चय प्रमाण अंतनिषेय। अंतनिषेय की यानी पहली निषेय की वैल्यू मिल रही है तो गुणहानि दो, ये प्रथम निषेय। अंतम निषेय के लिए क्या करना है? यहाँ गुणहानि प्लस, दो गुणहानि के बदले गुणहानि प्लस से गुणा, बाकी तो इतना बारह, तो ये तो चय है। तो चय इंटू देखो प्रथम निषेय, प्रथम मैंने नीचे का इज इक्वल टू चय इंटू दो गुणहानि, और इसका अंतिम निषेय, अंतिम निषेय चय इंटू गुणहानि प्लस, ये तो पहली गुणहानि में हमने देखा। ऐसे ही अन्य गुणहानियों में करना उनकी रचना। अब ये ट्रायंगल बता के पहला निषेय अंतर निषेय किसमें बता दिया, देखो इसमें क्या बताया यहाँ पर? पहले गुणहानि का पहला निषेय नीचे, सबसे नीचे। तो पहले गुणहानि का प्रथम निषेय कैसे? यही वैल्यू होती है, ये जो टेबल है 982 पर जो ट्रायंगल बनाया है उसमें सर संख्या था गुणहानि दो वगैरह वगैरह, फिर बीच में बिंदी बिंदी है, और ऊपर जो राइट साइड में अंतर निषेक लिखा है इसका अर्थ होता है प्रथम गुणहानि का अंतर निषेक 982 पे। वहाँ क्या किया? प्रथम निषेक के लिए गुणहानि दो से गुणा किया, अंतिम निषेय के लिए क्या करते हैं? चय इंटू गुणहानि प्लस वन। देखो वहाँ पर वन प्लस गुणहानि की साइन है, नीचे नीचे से ऊपर पड़ती है, बीच मध्य के गुणहानि की बात नहीं की, एकदम लास्ट अंतिम गुणहानि की बात। तो अंतिम गुणहानि में क्या करना है प्रथम निषेय के लिए? यहाँ तो हमने अन्य अन्य व्यस्त राशि के आधे से गुणा किया था, वो तो वहाँ नहीं लेना है, हमें तो डायरेक्ट मिला था स असंख्यात को एक कम अन्य वैसे राशि से भाग दिया था, तो हमें डायरेक्ट अंतिम गुणहानि का द्रव्य मिला, तो ये अ डिवाइडेड बाय दो वहाँ नहीं आया है ना, ये बात। तो अंतिम गुणहानि का फिर आगे की बात आएगी, ये दोनों आएगी, ये अंतिम गुणहानि का टोटल द्रव्य, उसको ये बीच वाला निकाल दो, गुणहानि का भाग दिया तो मध्यम धन आया, यानी एवरेज मिला, एवरेज मिला, और उसको इससे भाग दिया तो चय।
वहाँ का चक्र, उस ऊंचाई को वहाँ दो गुनाहानी से गुना करेंगे तो वहाँ अंतिम गुनाहानी का पहला निषेध मिलेगा, और वन प्लस गुनाहानी से गुना करेंगे तो अंतिम गुनाहानी का अंतिम निषेध। देखो यहाँ पढ़ेंगे, ऊपर जो फिगर है उसमें लेफ्ट साइड में अंत गुणहानी लिखी है और राइट साइड में प्रथम निषेध और अंत निषेध लिखा है। तो देखो प्रथम निषेध देख लेते हैं, स असंख्यात लिया, वन माइनस गुना अन्य व्यस्य राशि से भाग दिया, ये अन्य व्यस्य राशि का आधार वो तो पहले गुणहानी के लिए दिया था हमने, यहाँ तो जरूर नहीं अंतिम के लिए, गुणहानी से भाग दिया, वन प्लस गुणहानी तीन वितरण से भी भाग दिया और गुणहानी दो से गुणा दिया, यह है प्रथम निषेध। और अंतिम गुणहानी का अंतिम निषेध बाकी वैसा ही रखा, गुणहानी प्लस वन से गुणा, तो ये अंतिम निषेध। हमें तो ये संदृष्टि कैसी पढ़नी है, यहाँ क्या क्या डिफरेंस हुआ उतनी बात है। अंतिम गुणहानी में अन्य अन्य व्यस्य राशि के आधे से गुणा नहीं किया, ये तो हमें डायरेक्ट मिली, इसके लिए अन्य अन्य व्यस्य राशि के आधे से गुणा किया तो हमें पहले नीचे के गुणाने चाहिए, कितना डिफरेंस है। अब आते हैं 983 पर, यहाँ अंत गुणहानी में ये जो रचना बताई है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ अंत गुणहानी में अपने चय को, यानी वहाँ का चय अपना, क्योंकि हर एक गुणहानी का अपना अपना चय अलग है, तो जो जिस गुणहानी में है वहाँ के चय को दो गुणहानी, गुणहानी का प्रमाण तो सर्वत्र वही है, तो अपने चय को दो गुणहानी से गुणा करने पर प्रथम निषेध और एक अधिक गुणहानी से गुणा करने पर किसको, चय को अंत निषेध होता है। ऐसा मध्य निषेध और मध्य गुणहानी के ग्रहण के लिए यानी समझने के लिए बीच में बिंदियों की संदृष्टि जाना, यानी हर एक गुणहानी का वर्णन नहीं करें, प्रत्येक गुणहानी में ऐसा ही अपना अपना चय इंटू दो गुणहानी इज इक्वल टू प्रथम निषेध और चय मल्टीप्लाई बाय वन प्लस गुणहानी अंत निषेध। तो यह केवल बिंदी से वो बीच में समझ गए। इसी प्रकार सातों कर्मों की रचना जाए, यहाँ तो मिथ्या तो कर्म की बात बताई, तो जब स असंख्यात कहेंगे तो ज्ञानावरण के लिए उसका अपना, कोई भी कर्म ले लो उसका अपना असंख्यात समय प्रबद्धमान हम समझेंगे। पुनश्च सर्व मूल और उत्तर प्रकृतियों की दो गुणहानी और गुणहानी समान, क्या कहना चाहते हैं, कोई भी कर्म हो आयु कर्म भी क्यों न हो गुणहानी का प्रमाण सबके लिए समान है, तो डिफरेंस कहाँ है, नाना गुणहानी, क्यों, क्योंकि स्थिति कम ज़्यादा है, जहाँ स्थिति लंबी है वहाँ नंबर ऑफ गुणहानियाँ ज़्यादा है, और नाना गुणहानी समान नहीं है उसका विशेष जानने के लिए, यानी वो जो समान नहीं है उसका प्रमाण जानने के लिए पल्ले की वर्गशलाका से लेकर पल्ले के प्रथम वर्गमूल तक जो राशि उनके दो गुणे अर्धच्छेदों को स्थापित करके ऊपर से तीन तीन राशि जोड़ने पर आठ आठ गुणा नहीं होता है। देखो हमने कल परसों तीन राशियाँ बनाई थी निकाल, पेज नंबर 975 तीन पंक्तियाँ बनाई, पहली पंक्ति में नीचे से ऊपर पढ़ना है वह लिखा है, यानी पल्ले की वर्गशाला का उसका वर्ग, यानी वो ऊपर वर्ग 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 करते तक अंतिम संख्या कौन सी है, परिप्रथम वर्ग, तो वहाँ तक की सभी संख्याएं जो लिखी है उन एक एक संख्या के अर्धच्छेद बीच वाले पंक्ति में, यानी यहाँ वह लिखा उसके सामने उसके अर्धच्छेद वह छेद, जहाँ वह है तो उसके अर्धच्छेद कितने हो गए, वह नहीं हो जाएगी, वह छेद दो, क्योंकि जो अर्धच्छेद है वो दो गुना हो गए। ऐसे ऊपर तक पल्ले के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेद कितने हैं, तो पल्ले के अर्धच्छेद का आधा, तो इतना करने के बाद उन्होंने क्या किया, तीन तीन जो अर्धच्छेद है उनकी टोटल,
यानी छह तृतीयांश, छह चतुर्थांश और छह अष्टमांश, तीन संख्याओं की उन्होंने टोटल की, तीन तीन राशि जोड़ी तो क्या हो जाएगा, आठ आठ गुना हिम होता है। देखो यहाँ लिखा है 983 पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ में चौथी लाइन लास्ट में, यहाँ पहले में ये लिखा कि तीन तीन राशि जोड़ने पर आठ आठ गुना ही होता है, यानी ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो आठ आठ गुना ही होता चला जाता है। वो कैसे वो समझा रहे हैं, वहाँ पल्ले के प्रथम द्वितीय और तृतीय मूलों के अर्धच्छेद ऐसे, यानी पल्ले के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेद कैसे, छः डिवाइडेड बाई टू, द्वितीय वर्गमूल के अर्धच्छेद छः डिवाइडेड बाय टू इंटू फोर, और तृतीय वर्गमूल के छः डिवाइडेड बाय टू इंटू टू इंटू टू यानी आठ। यहाँ पल्ले के अर्धच्छेदों की समदृष्टि ऐसी छः, उसके भागार जानना। अब इनका जोड़ देने के लिए यानी पल्ले का आठवां भाग, चौथा भाग, दूसरा भाग, दोगुणी 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 है ना, तो दोगुणा दोगुणा संख्या की टोटल करनी है तो क्या करेंगे, अंतिम जो संख्या है कौन सी है, छः डिवाइडेड बाई दो, उसको दोगुणा करें तो क्या होगा, छः हो जाएगी, और उसमें से आधी माइनस करना है तो छः द्वितीयांश को दोगुणा करने पर छः हो गया, और आधी क्या है, छः अष्टमांश, उसमें से माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, सात अष्टमांश छः हो जाएगा। एक में से एक अष्टमांश माइनस किया तो सात अष्टमांश रहे, तो सात अष्टमांश छः। इसी प्रकार चौथे पांचवें और छठवें मूल के अर्धच्छेद ऐसे, यानी छः डिवाइडेड बाय आठ इंटू टू, सोलह के बजाय आठ इंटू टू कहा, आठ इंटू टू टू डिवाइडेड में आठ इंटू टू टू टू, तो उसका जोड़ कैसे हो जाएगा, आठ को कायम रखा जैसे ऊपर लिया है तो उसके आगे सात अष्टमांश था ना, ये तीन बार आठ कहाँ से आया, दो बार चाहिए, जोड़ में ना, हाँ दो ही बार आठ चाहिए, सात अष्टमांश का आठ होगा। इसका अर्थ क्या है, ऊपर संख्या कितनी आई थी, छः का सात अष्टमांश, अब वो छः का सात अष्टमांश था उसको भी, उसका भी अष्टमांश है चौसठ, सुरेश भाई ख्याल नहीं आती बात, ये तो हमने पहले इसमें देखा था, गीता में पढ़ा था इसको, तो ये यहाँ जो लास्ट लाइन है 983 में, छः इंटू सात डिवाइडेड बाई दो बार ही आठ चाहिए, तीन बार आठ नहीं चाहिए। आगे पढ़ते हैं, इसी तरह उत्तर कर और उसके नीचे की तीन फिगर्स ले अर्धच्छेदों, तो पल्ले की वर्गशाला का के आठवें सातवें और छठे वर्ग के अर्धच्छेद ऐसे हो जाए, वो अच्छे आठ इंटू आठ इंटू चार, वो अच्छे आठ आठ दो, वो अच्छे आठ आठ एक, ये नीचे की बात। यानी नीचे के तीन फिगर से ये समझ में आए, कहाँ से भी आप जो टेबल मैंने आपको भी बताया था 975 सबसे नीचे की तीन संख्या बतानी है आपको अर्धच्छेदों की पंक्ति में, सबसे नीचे का वर्गशाला का अर्धच्छेद कितना है, वो अच्छे उसके ऊपर, वो अच्छे दो उसके ऊपर, वो अच्छे चार, इसको सबका जोड़ कितना होगा,
छह इसके ऊपर उसके दो गुना वह छह आठ गुना दो वो छह आठ गुना चार ये कुछ नहीं है एक तो इसका अर्थ है आठ गुना सात इसकी टोटल है वो छः ये सात है ना वो छः सात इनके आठ उसके ऊपर चले जाओ तो उसके ऊपर क्या हुआ आठ इंटू आठ इसके दो गुना तो यहाँ आएगी वो छः आठ गुना आठ वो छः आठ गुना आठ इंटू दो और वो छः आठ इंटू आठ इंटू चार सब मिल के क्या हुआ वो छः सात इंटू आठ इंटू आठ ये फिगर उन्होंने अभी बताई इसको लेके और नीचे आ गया ये आपको लगेगा कहाँ से निकाल देखो 984 पृष्ठ पर शुरू में ऊपर जो लिखी है उतर कर यानी हम ऊपर वर्गमूल से उतरते उतरते यहाँ तक आते तो ये आठ इंटू आठ इंटू चार आठ इंटू आठ इंटू दो आठ इंटू आठ इंटू एक इसकी टोटल वो छः सात इंटू आठ आ गए इसके आठ गुना चार दो और एक सात हो गए आठ इंटू सात एंड देन इसकी टोटल आठ इंटू सात हो गए इनकी टोटल आठ इंटू सात हो गए इनकी टोटल सात हो गए यानी वो आठवां भाग नीचे से ऊपर देखेंगे तो आठ गुना आठ गुना आठ गुना तो अंतिम कितनी थी अंतिम तीन की टोटल कितनी थी सबसे ऊपर छः सात अष्टमांश थी ना सबसे लास्ट वाली कितनी थी छः सात अष्टमांश ये पहली वाली फिगर एकदम ऊपर की तीन की टोटल कितनी थी छः द्वितीयांश छः चतुर्थांश छः अष्टमांश छः सात अष्टमांश तभी हमारे अंत धनम गुण गुणी अंत अंतिम धन छः सात अष्टमांश उसको आठ गुणकार से गुणा करो तो ये आठ गुणकार से ये हो गया माइनस आदि वो छः सात और डिवाइडेड बाय आठ का गुणकार में से सात का भाग दे दो डिवाइडेड बाय सात तो सात कॉमन निकालो सात बाहर निकालना छः माइनस वो छः डिवाइडेड बाय सात सभी अर्धाक्षरों की टोटल छः मैंने सोचे आए इसको कर देंगे यही ये रचना यहाँ बताइए देखो ये टेबल में देखो नीचे के तीन की टोटल वचे सात है उसके ऊपर वचे सात इंटू आठ उसके ऊपर वचे सात इंटू आठ इंटू आठ ऊपर चले जाओ चले जाओ चले जाओ तो ऊपर से नीचे देखेंगे छः इंटू सात अष्टमांश उसके नीचे के तीन फिगर की संख्या छः इंटू सात अष्टमांश डिवाइडेड बाय आठ उसके नीचे छः इंटू सात अष्टमांश डिवाइडेड दो बार आठ ये समझ में है ना बात सब जगह ऐसे लिखा है सबके लिए तो इनके टोटल छः माइनस वो छः इतने बाकी चर्चा हम करते हैं जानी के ज्ञान से सुखे लोकानो सोवानी मस्तक नमो सदा देतो नमो रियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयगानम नमो वज्जानम नमो लोये सरसानम నమోరియంతానం నమో సిద్ధానం నమో ఆయర్యానం నమో వజ్జానం నమో లోయ సోవసానం నమోరియంతానం నమో సిద్ధానం నమో ఆయర్యానం నమో వజ్జానం నమో లోయ సోవసానం నమోరియంతానం